सो है गाइस, अगर आप भी YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं उसके लिए आपको पिक्सल लैब में थंबनेल तो बनानी पड़ती होगी। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है YouTube थंबनेल बनाने के लिए। और दोस्तों, अगर आप भी इसे बिल्कुल आसान बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है थंबनेल्स बनाने में, तो आप इसे बहुत ही शॉर्ट टाइम में कैसे ले आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो इसे पूरा एंड तक देखें। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपको इस तरीके से एक पेज ले लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर क्लिक करोगे, फिर वाला एंड वाला वाइट। अगर आप इसमें कलर चॉइस करना चाहते हो तो इस तरीके से कलर में आ जाना है, और कलर भी बैकग्राउंड का चॉइस कर सकते हो इस तरीके से, रेड वगैरह, ब्लैक वगैरह, ठीक है। तो फिर मैं इसे वाइट कर लेता हूँ दोस्तों। और सबसे अमेजिंग बात है दोस्तों, अगर एक बार आप थंबनेल्स बना लोगे तो सिंपली आप उस पर एक बार क्लिक कर लेना है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको कट कर लेना है जैसे जो भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैमरा, फिर ओके कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप जैसे ये सस्ता नशे कर रहा है दोस्तों, तो सिंपली मैं वापस एक बार से लिख देता हूँ कैमरा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर ओके कर लेना है दोस्तों। और फिर आपको ओके कर लेने के बाद देख सकते हैं, इसमें आपको बैकग्राउंड कलर, इसका कैमरे का कलर, आपको यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे कलर पे जाओगे, यहाँ पे ए पे क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलर आपको कलर में बहुत टाइम लगता है। ये आप अगर यूज़ करते हो तो आपको जरूर से पता होगा, कलर वापस ए बी से प्लस इसके साइज सेलेक्ट करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर इस तरीके से आपको लगाना पड़ता है कौन सा कलर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साइज सेलेक्ट कर लेंगे, आपको एक साइज़ बड़ी रहती है, तो आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि इसके साइज़ कैसे सिलेक्ट। यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेना है, और साइज़ को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इमेज साइज दोस्तों, इसी पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं डॉट पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर तो यहाँ पर कस्टम दिख रहा होगा, तो 16.9 यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट मैंने मार्क कर दिया, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नीचे आ रहा है यूट्यूब थंबनेल्स, तो यूट्यूब थंबनेल पर आप क्लिक करना है, ओके कर लेना है। इसकी साइज ये रहेगी, ठीक है। ये पूरा आपका एक आप वाइट स्टूडियो में अगर इसके थंबनेल लगाओगे तो इसी तरीके से इसकी पूरी साइज आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका है यहाँ पर, और आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, इस पर क्लिक करके रखना है, इस पर कट कर लेना है, फिर आपको वापस से आपको इसको कुछ भी लिख के ओके कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ही सेव होगा। और थंबनेल्स तो ऐसे ही बनती है दोस्तों। तो अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।